और किसी भी चीज़ को लीड करना, तो दैट मीन्स हर जगह आपको लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। और हर जगह अगर लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, तो अगर हमारा मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में भी आपकी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होगी। और लीडरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई एक आदमी चाहिए जो कि सभी को बता सके, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसके पास, जितने उसके अंडर में काम करते हैं, उन सबको एक अपने गोल के टुवार्ड्स, यानी कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्हें काम करने के लिए वो बता सके कि आपको जो काम करना है वो क्यों करना है और किस डायरेक्शन में करना है। तो उन्हें एक कंप्लीट फोकस देना है और उन्हें एक डायरेक्शन देनी है काम करने के लिए। तो वो काम कौन करता है? लीडर। और ये जो कैपेबिलिटी है वही आपकी क्या कहलाती है? लीडिंग कैपेबिलिटीज। तो इसी तरह से जब हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन की हम स्टडी कर रहे थे, तो मैनेजमेंट की स्टडी में हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड सेकंड ऑर्गेनाइजिंग। अब इसका थर्ड मैनेजमेंट फंक्शन आता है, वो क्या है आपका? लीडिंग, यानी कि लीडरशिप। तो लीडरशिप में क्या होना चाहिए? आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी लीडर है, जो भी आपके मैनेजमेंट में मैनेजर्स हो सकते हैं या फिर उनके ऊपर भी हायर अथॉरिटी हो सकती हैं, बट लीडर कौन होगा? जो कुछ नंबर ऑफ पीपल्स को अरेंज करता है या फिर उन्हें मोटिवेट करता है और उनके अकॉर्डिंग उनसे काम करवाता है, तो वो एक लीडर होता है। किसी भी ग्रुप का लीडर हो गया तो वो ग्रुप लीडर हो जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट का लीडर हो गया तो वो उसका लीडर है। तो दैट मीन्स अलग अलग कॉरपोरेशन या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग लीडर्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं, बट जो भी लोगों को लीड करता है, चाहे वो छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो, हर एक ग्रुप को लीड करने वाला उसका लीडर कहलाता है। तो हर एक लीडर के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जैसे सपोज कंपनी है हमारी जिसका नाम है नोट्स फॉर यू, तो आप उसके लिए अगर आप उसके लीडर हैं, तो उसको कंपेयर किया गया है यहाँ पे इस एग्जांपल में कि आप एक ऑर्केस्ट्रा जो है, ऑर्केस्ट्रा का लीडर होता है, तो वो क्या करता है? ऑर्केस्ट्रा का लीडर हर एक म्यूजिशियन को, अलग अलग जो म्यूजिशियन है उनको अलग अलग म्यूजिक सीट देता है कि उन्हें क्या प्ले करना है और कब प्ले करना है। तो उनके पास जो म्यूजिक सीट होंगी उनके अकॉर्डिंग उन्हें पता रहेगा कि जब मेरा टर्न आएगा तो मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये वाला म्यूजिक प्ले करना है। एज इट इज उन्होंने क्या किया, अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर दिए। सेक्शन कैसे? कि आपके पास जितने म्यूजिशियंस थे उनकी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। कोई आपका ड्रमर हो सकता है, कोई पियानो बजाने वाला हो सकता है, कोई गिटार बजाने वाला हो सकता है। तो इस तरह से आपके अलग अलग सेक्शन हैं और उन सेक्शन में हो सकता है एक मेंबर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं। अगर बड़ा ग्रुप है ऑर्केस्ट्रा का तो उसमें तीन तीन चार चार मेंबर भी हो सकते हैं, अलग छोटा है तो सब में एक एक मेंबर भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो जैसे आपके बड़ा ऑर्केस्ट्रा है तो उसमें ज़्यादा मेंबर होंगे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर भी मेंबर ज़्यादा होंगे, तो दैट मीन्स आपके एम्प्लॉयज ज़्यादा होंगे। आपके जो सेक्शन डिवाइड हो रहे हैं वहाँ पे, ऐसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के पास अलग अलग वर्क मिलेगा, उनमें अलग अलग एम्प्लॉयज होंगे। और उन सेक्शंस को हम कैसे अरेंज करते हैं कि कौन सा सेक्शन है किससे कनेक्टेड है और कौन सा सेक्शन किससे कनेक्टेड नहीं है। जहाँ पे म्यूजिक आना है तो म्यूजिक किसके थ्रू आ रहा है, ड्रम के थ्रू आ रहा है, आपके पियानो के थ्रू आ रहा है या किसके थ्रू आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को हम वहाँ पे अरेंज करते हैं। उन्हें ही अरेंज करना है तो दैट मीन्स वो हमारी क्या हो गई, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है और कहाँ किसके साथ वो मिलके काम करेगा, तो वो एक स्ट्रक्चर बनती है। किस लिए बनाते हैं हम सारा काम? ऑर्केस्ट्रा में हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो म्यूजिक निकल के आता है वो क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा म्यूजिक होना चाहिए। क्योंकि सब एक साथ मिलके और अच्छे से अगर अपने टाइमिंग के ऊपर प्ले करते हैं तो उससे उन्हें अच्छा म्यूजिक देखने को मिलता है। बट एज इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सारे मिलके अपने टाइम पे अपना काम कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो अच्छे रिजल्ट हमें अगर मिलेंगे तो उन रिजल्ट से हमें क्या होगा, हमारा गोल अचीव करने के हम पास पहुँच जाए। तो हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है उसे हम कैसे अचीव करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमारे पास सारी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग भी होनी चाहिए, आपका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए यानी कि कंट्रोलिंग, एंड देन आपकी ऑर्गेनाइजिंग भी होनी चाहिए कि किस तरह से आपने उनको ऑर्गेनाइज किया है। अब जब सारी चीज़ें अपने पास होती हैं तो उन्हें लीड करने वाला भी कोई चाहिए, तो वो हमारे पास हमारे मैनेजर या हमारे लीडर्स होते हैं जो उन्हें लीड करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपका ये प्लान है और आपको इस तरह से काम करके अपने गोल पे पहुंचना है। तो जब उन्हें बताया जाता है कि आपका ये काम है और आपको अब करना है, तो उस टाइम अगर वो अपना काम प्रॉपरली करते हैं तो वो काम आपका परफेक्टली और अच्छे से हो सकता है।
और वो आपका जो म्यूजिक है वो बहुत अच्छा आएगा, यानी कि आपको रिजल्ट उसमें बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इसीलिए हम लीडरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे आपकी ये लीडरशिप क्वालिटी है वो यूजफुल रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जैसे एक सिंपल एग्जांपल लिया था अपन ने ऑर्केस्ट्रा का, तो वैसे ही आपके अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप एग्जांपल ले सकते हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग आपको लीडर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे आप लीडरशिप देख रहे हो और कैसे आपको लीडरशिप करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसमें लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप स्टाइल क्या होती है कि लीडर्स होते हैं उनकी अलग अलग सबकी कैपेबिलिटीज़ होंगी, हर एक इंसान होता है उसके अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं, उनकी तरीके अलग होते हैं काम करने के। तो तरीके अलग होंगे तो दैट मीन्स उसकी लीडरशिप स्टाइल भी अलग होगी। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वैसे तो बहुत सारी स्टाइल होंगी, हर आदमी अपने तरीके से काम करना चाहता है। किसी को लोगों को मोटिवेट करके काम करवाना अच्छा लगता है, किसी को लोगों को फोर्सफुली काम करवाना अच्छा लगता है, कोई अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके सजेशंस लेना पसंद करता है और कोई उनसे सुनना भी पसंद नहीं करता। तो वो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की, कोई कैसे भी काम कर सकता है। अगर एक डिक्टेटर है वो भी तो एक लीडर है, बट वो क्या करता है, लोगों पे अपने ऑर्डर थोपता है। और लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसके डर है। बट एज ए लीडर वो अपना काम कर रहा है, उसने सभी को एक डायरेक्शन दी है और सब लोग उसके डायरेक्शन या उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बट डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी में भी एक लीडर होता है और वो लीडर सभी की बातें सुनता है और सभी की बातें सुनता है और उसके बाद उनके अकॉर्डिंग वो अपने एक्शंस लेता है। तो उसने सबकी बातें सुनी हैं, फिर जो उन्हें बेटर लगता है वो उन्हें चीज़ें करी हैं। उसके अलावा एक लीडरशिप क्वालिटी ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपने दूसरों को खुली छूट दे रखी है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आपने बोला है कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, बट मुझे अपने काम से मतलब है, आपको एक काम असाइन किया गया है, अब ये काम इतने टाइम पे मुझे कंप्लीट मिलना चाहिए। तो अब वो काम आप कैसे करो वो आप पे डिपेंड करता है। आप हो सकता है कि आपने कोई भी एक अल्टरनेटिव तरीके से, या तो जो आपके चलते आ रहे हैं उसी तरीके से कर सकते हो, आपको कोई नया तरीका पसंद आता है कि नहीं ये काम मैं इस तरीके से करूँगा ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वहाँ भी आप अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब हर एक क्वालिटी की, मतलब हर एक जो लीडरशिप स्टाइल है उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम यही बातें कर रहे हैं कि आपकी लीडरशिप स्टाइल है वो किस टाइप की हो सकती है। तो लीडरशिप स्टाइल आपकी मोस्टली अगर हम डिवाइड करते हैं तो बहुत सी हो सकती हैं, बट हम यहाँ पे जिनके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो आपकी डिफरेंट थ्री स्टाइल्स हैं। पहली आपकी ऑटोक्रेटिक स्टाइल, जिसके अंदर एक ऐसी लीडरशिप आपकी डेवलप होती है जिसके अंदर आपके सबऑर्डिनेट से कोई इनपुट नहीं लिया जाता, जो भी डिसीजंस होते हैं वो आपके लीडर लेते हैं और वही आपको आपके सबऑर्डिनेट्स को बता दिए जाते हैं कि आपको यही काम करना है और इस तरीके से करना है। उसमें उनका कोई भी आपके सबऑर्डिनेट्स का कोई रोल नहीं रहता। दे एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड एक्सपेक्ट सबऑर्डिनेट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड टास्क विदाउट अनड्यू एक्सप्लेनेशन। ना कोई एक्सप्लेनेशन देना है और ना काम कंप्लीट नहीं होने का रीज़न देना है, बस उनसे यही एक्सपेक्टेशन की जाती है कि उन्हें जो टास्क दिया गया है वो टास्क को टाइमली कंप्लीट कर लें। तो वो स्टाइल कहलाती है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। सेकेंड आपकी कहलाती है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे इनपुट लिए जाते हैं कि हमें ये काम कंप्लीट करना है तो हम ये काम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो सबऑर्डिनेट्स जो होंगे वो अपने सजेशन देंगे, अपने आइडियाज़ देंगे और वो एक टाइम ड्यूरेशन भी दे सकते हैं कि हाँ हम ये काम इतने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, हमारी इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं और हमें इस तरीके से करने से हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह आपको क्या होगा, अलग अलग आपके यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और उन रिजल्ट्स को आप रिजल्ट्स की जगह जो इनपुट्स हैं उनको अगर आप यूज़ करते हो अपने प्लान के अंदर, अपने प्रोसेस में, तो वहाँ पर आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते। तो ये आपकी स्टाइल कौन सी हो गई, डेमोक्रेटिक स्टाइल। एंड दे आर आल्सो मोर लाइकली टू कीप सबऑर्डिनेट इनफॉर्म अबाउट थिंग्स दैट अफेक्ट देयर वर्क। और हमेशा डेमोक्रेटिक स्टाइल में जो लीडर होते हैं वो पहले से अपने सबऑर्डिनेट्स को बता के रखते हैं कि आप कौन सा काम करोगे तो आपके वर्क के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कौन सा काम आप नहीं कर रहे हो तो आपके रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो उन चीज़ों के बारे में उन अपने सबऑर्डिनेट्स से वो
कम्युनिकेट करते रहते हैं और उन्हें एक्सप्लेन करते रहते हैं। तीसरी आपकी जो स्टाइल आती है वो आती है आपकी फ्री रेंज। फ्री रेंज स्टाइल में क्या है कि जो आपके लीडर हैं वो लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को इतनी छूट देते हैं कि वो अपना काम अपने तरीके से कर सकें। दे मे एडवाइज एम्प्लॉयज बट यूजली गिव देम कंसिडरेबल फ्रीडम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। तो दैट मीन्स वो उन्हें एडवाइस तो ये देते हैं कि आप ये काम इस तरह से कर सकते हो, बट आपको कोई दूसरा तरीका पसंद है तो आप करो, यू आर डेफिनेटली फ्री टू डू दैट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस काम में। उन्हें अपने रिजल्ट से मतलब है, उन्होंने आपको काम दिया, आपका जो टास्क है वो दिया, आपको टास्क कंप्लीट करना है विद इन गिवन टाइम पीरियड, और किस तरह से आप करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, कैसे आप कंप्लीट कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ है आपकी अलग लीडरशिप क्वालिटी है उसकी कैपेबिलिटी। अगर हम देखते हैं तो आपकी तीनों लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंट है, और तीनों में आपको कोई अच्छा भी लग सकता है कोई बेकार भी लग सकता है। अगर आप फर्स्टली देखोगे तो आप ये चाहोगे कि नहीं, ऑटोक्रेटिक लीडर है तो उसके लिए मैं काम नहीं करूँगा, ऑटोक्रेटिक है वो तो बहुत मतलब रूड है, सुनता भी नहीं है, किसी की बात मानता भी नहीं है, और अपने जो ऑर्डर्स हैं वो हम पे थोप देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, ऑटोक्रेटिक आपकी लीडरशिप है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत से ऐसे टास्क हैं जहाँ पे आपको अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बट अगर आप डेमोक्रेटिक देखेंगे तो डेमोक्रेटिक है वो आपसे पूछ रहा है कि किस तरह से हम ये काम करेंगे, तो वो चीज़ आपको अच्छी लग सकती है। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किस तरह लोगों को अच्छा लगता है। अगर आपने फ्रीडम दे दी, जैसे आपकी फ्री रेंज स्टाइल है, तो उसमें आपने लोगों को फ्रीडम दी कि आप लोग अपना काम अपने हिसाब से करो जैसे आपको करना है, तो उसमें क्या होगा कि लोग लेजी भी होंगे, हो सकता है कुछ बहुत अच्छा भी रिजल्ट निकाल के दें, बट कुछ लोग उस चीज़ का बेनिफिट भी उठाने की कोशिश कर सकते। जैसे हम लोग देख लें कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स की बातें करते हैं, अगर हम उन्हें काम देते हैं कि आपको ये काम कंप्लीट करना है और ये आपका टाइम पीरियड, अब इस टाइम पीरियड में आप ये काम कंप्लीट करके दें कभी भी, तो उनमें से कुछ सिंसियर जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत टाइमली करते हैं। बट जो लेजी हैं वो क्या करेंगे, उस चीज़ को अवॉइड कर देंगे कि ये ठीक है अपने हिसाब से छोड़ दिया, अब मैं देखूँगा अपने हिसाब से कब करूँगा कब नहीं करूँगा। बट वहीं अगर उनको बाउंड करके काम करवाया जाता है, उनको सबको एक साथ बैठाया जाता है कि अब आपको ये काम एक घंटे में कंप्लीट करना है, और वहाँ पे उनके ऊपर कोई लीडर रहता है उस टाइम कि अभी आपको ये काम करना पड़ेगा, एक घंटे के अंदर करना पड़ेगा, तो वो सारे उस काम को उसी टाइम एक घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो वो आपकी एक क्वालिटी है कि किस तरह से आप लोगों से काम करवाते हो। कोई भी एक लीडर अगर एक क्वालिटी है उसमें, तो उससे हर प्रकार के जितने भी लोग हैं उनसे काम नहीं करवा सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप में ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों टाइप की अगर आप में क्वालिटीज़ हैं, तो आप बहुत रेयर टाइप के लीडर हो सकते हो, और ऐसे लीडर बहुत कम मिलते हैं जो ऑटोक्रेटिक भी हों और डेमोक्रेटिक भी। और अगर ऐसी क्वालिटी है तो उनकी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। क्यों? क्योंकि वो हर टाइप का काम लोगों से करवा सकते हैं कि किस तरह से उनको फैमिलियर होके काम करवाना है और किस तरह से उनके ऊपर स्ट्रिक्ट होके उनको काम करवाना है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट जो लीडरशिप स्टाइल थी उनके बारे में था। अब देन हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप तो दैट मीन्स आपकी कौन सी ऐसी लीडरशिप है जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को काम करवाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो थ्योरीज ऑन व्हाट constitutes effective leadership evolve over time. One theory that has received a lot of attention in the last decades contact two leadership style, and these are transactional and transformational. So transactional आपकी क्या है और transformational leadership style क्या है, तो उसे अगर हम बात करते हैं तो जो transactional leadership style है उसमें authority है वो उनकी rank के according organization में उन्हें decide करती है। एक्सरसाइज अथॉरिटी बेस्ड ऑन देयर रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे लेट सबऑर्डिनेट्स नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड व्हाट दे विल रिसीव इफ दे मीट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो दैट मीन्स उन्हें एक पर्टिकुलर रैंक दी जाती है। आप मैनेजर हैं, आप सुपरवाइजर हैं, आप सीईओ हैं,
तो वो अलग अलग उनको रैंक डिसाइड करके देगी, उन रैंक के अकॉर्डिंग उनके टास्क उनको दिए गए और उन टास्क के अकॉर्डिंग उन्हें बताया जाता है अगर आप अपना काम कंप्लीट करेंगे तो आपको आपका काम कंप्लीट करने के एवज में इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो चीज़ें उन्हें क्लियर की जाती है कि आपकी ये पोजीशन है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका ये आउटपुट मिल रहा है इसमें, तो वो चीज़ें उन्हें क्लियर है। दे फोकस देयर अटेंशन ऑन आइडेंटिफाइंग मिस्टेक्स एंड डिसिप्लिन एम्प्लॉय फॉर पुअर परफॉर्मेंस। तो उसमें क्या किया जाता है कि उन्हें उनके अप्रेजल के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस तरह से उनके ऊपर वो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं या वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं। अगर वो अपना टाइमली काम कंप्लीट कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड, अगर वो टाइमली काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक उसके अंदर रख रहे हैं और वो मिस्टेक या आपका डिसिप्लिन जो है वो किस तरह से ब्रेक हो रहा है। तो वो जो मिस्टेक्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको एम्प्लॉयज़ के डिसिप्लिन में या पुअर परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करना है ताकि आपको पता चले कि आपकी जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट आपकी सेकेंड स्टाइल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, वो क्या करते हैं, वो उनको मेंटर करते हैं, डेवलप करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। मेंटर और डेवलपिंग दैट मीन्स उनको वो समझते हैं, समझाते हैं और जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है वहाँ उनको डेवलपमेंट करवाते हैं, उनको अपडेट करवाते हैं, नई नई चीज़ें उनको सिखाते हैं कि आप ये काम इस तरीके से कर सकते हो, ये काम आपके लिए बेटर रहेगा। तो दैट मीन्स वो उनकी हेल्प करते हैं, प्रोवाइडिंग देम विद चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें ऐसी चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें उनका खुद का डेवलपमेंट हो सके, उन्हें सोचने की कैपेबिलिटी डेवलप हो सके। वर्किंग वन ऑन वन टू हेल्प देम मीट देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल नीड्स, वन टू वन दैट मीन्स एक एक सबॉर्डिनेट से वो कॉन्टेक्ट करते हैं, जितने भी उनके अंडर में सबॉर्डिनेट्स हैं वो सभी से वन टू वन बात करते हैं कि हाँ ठीक है किस तरह से आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो स्टाइल जो है आपकी वो आती है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल, ताकि अगर आपका कोई एम्प्लॉई है उसमें कहीं कोई कमी भी है तो उस कमी को भी आप दूर कर सकते हैं, उनके ऊपर वो उनका डेवलपमेंट करते हैं, उनकी मेंटरिंग करते हैं कि आप ये काम कर रहे थे आपको क्या प्रॉब्लम आई, आपको इस तरह से प्रॉब्लम आई तो आप ये दूसरा अल्टरनेटिव है वो भी देख सकते हैं। तो वो आपकी क्वालिटी है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में। एंड एनकरेज पीपल टू अप्रोच प्रॉब्लम्स फ्रॉम न्यू पर्सपेक्टिव, लोगों को वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम दी गई है उसे आप इसी प्रोस्पेक्टिव से सॉल्व करने की कोशिश ना करें जो हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, आप एक अगर नया तरीका सोच सकते हैं तो उससे अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट। तो जैसे सपोज कोई भी एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं और वो ट्रेडिशनल वे से हम करते आ रहे हैं उसमें जितना टाइम कंज्यूम हो रहा है उतना ही हमें पता चल रहा है, बट आपका कोई एम्प्लॉई है, सबॉर्डिनेट है जिसको आपने वो टास्क दिया और वो कहता है कि नहीं मेरे पास एक नया मेथड है और उसकी वजह से अगर हम अप्लाई करते हैं तो यही काम हम आधे टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपका ट्रांजेक्शनल लीडर होगा तो उसे उस चीज़ से मतलब नहीं होगा, वो आपको इतना मौका नहीं देगा कि आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, वो सिर्फ आपको यही देगा कि आपका ये टास्क है इस तरीके से आपको इतने टाइम में कंप्लीट करना है। बट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या कहेगा कि हाँ ठीक है आपको ये काम करने के लिए फ्रीडम है, आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो उसके ऊपर तो नए प्रोस्पेक्टिव से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि एम्प्लॉई है वो एक नया तरीका और नए प्रोस्पेक्टिव से उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए आपको उसमें अल्टरनेटिव्स मिलते हैं, आपको नए नए मेथड मिल के आते हैं और उनसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है। तो आपके अलग अलग जो लीडरशिप स्टाइल हैं उनमें से कौन से बेनिफिट है या कौन सी बेनिफिशियल हो सकती है वो सेम डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे किस तरह के लोग हैं और वो कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी की और इनोवेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आप लोगों को फ्रीडम देना या ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स की वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बट आपका एक ही तरह का काम चलता रहा है, कंटिन्यूसली मास प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शनल लीडर की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो आपकी लीडरशिप में अलग अलग क्वालिटीज़ में काम आती है कि आपको किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको लीडरशिप कैसी चाहिए, ट्रांजेक्शनल चाहिए या ट्रांसफॉर्मेशनल चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है वो उनको डेवलप करता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉई हैं उन्हीं को हम डेवलप करें, कल को आप नेक्स्ट हायर पोजीशन के लिए भी अगर आपको एम्प्लॉई चाहिए होगा तो आपको बाहर से हायर ना करना पड़े, उन्हीं में से आप प्रमोट कर सकते हैं। तो आजकल जो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं
वो यही करती हैं, उनमें आपके जो लीडरशिप होते हैं वो उनको ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स को ज़्यादा चांसेस देने की कोशिश करती हैं कि वो किस तरह से उनके हर एक एम्प्लॉय को वो डेवलप कर सके, अपने अंदर में जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको वो डेवलप करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क करवा सके। तो वो चीज़ आपकी आती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में। तो जितनी भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी के ऊपर वर्क करती हैं और इसी के अकॉर्डिंग वो चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो सके।